हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। और हम वैसे भी यहाँ पर जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके TRE1 और TRE2 के वही मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप मुझे अपना स्कोर बताना। वैसे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी क्लासेस मिले, और PDF वगैरह टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ये PDF वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे भेजती जाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका पहला ही क्वेश्चन है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। जब ये PDF आपको मिलेगा ना, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था, तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो बाइलिंगुअल ही है, बट हम यहाँ पे हिंदी वाला रख के डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन पूछा है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, और ये आपका 6-8 के GS में पूछा गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान इन्होंने पूछा है, मंदक के रूप में, ठीक है। मंदक के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर आपने देखा होगा, ये लिखा भी हुआ है, ये देखिए, यही सेम क्वेश्चन यहां पर आपको इंग्लिश में मिलेगा कि क्या होगा। तो इसको बोलते हैं मॉडरेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 39 हो गया। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। लैक्टियल निम्न में से किससे संबंधित होता है, बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लैक्टियल पूछ रहा है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि लैक्टिक अम्ल स्राव हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन, बट नहीं। 40 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसे बोलते हैं फैट ऑब्जर्वेशन, मतलब जो अवशोषण करता है वसा का, उसे बोलते हैं लैक्टियल। मतलब ये किससे संबंधित है लैक्टियल, तो ऑप्शन नंबर सी, वसा अवशोषण, ठीक है। तो 40 का सी हो जाएगा। 41 देखिए, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो इसमें से कौन सी वनस्पति विज्ञान की शाखा होगी, आप बताइए। तो इसका हो जाएगा पादप कारिकी, ठीक है। 41 का सी, पादप कारिकी। एक बार इसको मैं इंग्लिश में दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए इसे क्या बोलते हैं। ये देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी से बोलते हैं, विच ब्रांच ऑफ बॉटनी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, तो 41 भी हो गया। 42 देख लेते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी, या फिर कोशिका विज्ञान, तो बताइए इसका राइट आंसर। आपको भी पता ना कि पीढ़ी टू पीढ़ी जो जीन्स जो जिसका अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं, जेनेटिक्स, ये तो आप जानते ही हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो 42 का हमारा, इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो स्टडी होती है ना ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज जेनेटिक्स। तो 42 का ए हो जाएगा आपका। चलो, 42 भी हो गया। 43 देखिए, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन इन तीनों चारों में से बताना है। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये आपका जो अभी TRE2 का एग्जाम हुआ था ना, 5 ऑप्शंस, तो इस बार भी 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो 43 का आपका हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, लेग हीमोग्लोबिन, और आंसर एकदम करेक्ट है। इसको मैंने 2 से 3 बार जो है बीपीएससी का जो आंसर किया था उससे मैंने वेरीफाई किया है, प्रोविजनल आंसर की से, तो आप इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक पूछ रहा है, तो वो है लेग हीमोग्लोबिन, ये आवश्यक है, ठीक है। 44 देखिए, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको पेप्सिन कहते हैं, परोक्सीडेज कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं, तो बताइए। राइट आंसर होगा इसको एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। तो वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो होता है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये फिर इंग्लिश में आ गया, तो इंग्लिश हिंदी करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये आपका 45 देखिए, Al2O3.2SiO2.2H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है, मोनोजाइट, चीनी मिट्टी, रेत, बताइए। तो ये किसका है, तो ये है चीनी मिट्टी का, ठीक है। तो आप अपना खुद का नोट्स भी बनाते चलो। देखो क्या होता है ना कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपके अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो आपको जो ना आए वो उसको जरूर नोट करो। तो इसका हो जाएगा चीनी मिट्टी, ठीक है। 45 देखो, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है, बताइए। तो इसका हो जाएगा हमारा कार्निवोर, ठीक है। जो मांस खाता है हम उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। जो दोनों खाते हैं हम उसको ओमनिवोरस बोलते हैं। जो शाकाहारी होता है हम उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। तो इसका राइट क्या आंसर होगा, वो होगा कार्निवोरस, क्योंकि पूछ रहा है जो मांस खाता है, मेनली जो मांस खाता है उसको बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक है। सो 46 का आपका बी हो जाएगा।
देखिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, समय बहुत कम है और यहाँ पर मैं आपको मिनिमल चीज़ें दूंगी, और यहाँ से आपको अगर पीडीएफ में टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह का प्रोवाइड कराती जाऊंगी, तो आपको नोट्स भी नहीं बनाना होगा, आप बस अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि 2,000-1,500 के कोर्सेज लेने का कोई मतलब नहीं है, उस वीडियो से आप नोट्स बना नहीं पाएंगे, ठीक है। पैसे वेस्ट करने से बेटर है कि आप फ्री में चीज़ें पढ़ें कहीं से भी, आपको ज़रूरी नहीं कि मेरे ही चैनल से पढ़ना है। 47 का देखो 1 दिसंबर, अब ये तो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट इसको देख लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर भी आएगा जीएस में। तो 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो बेंगलुरु और वाराणसी में हुई थी, रायपुर में नहीं हुई थी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका बताइए, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ये जो है मेन गेस्ट थे, ठीक है। 48 का सी। 49 देखिए, पांचवा यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहां आयोजित किया गया था? तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ आएगा मिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी। 50 क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का अध्ययन करने वाले 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निगार साजी। तो आप लोग जो एक मार्केट में स्पीडी वगैरह आती है ना करंट अफेयर की, वो आप ले लो, उससे आप पढ़ते रहो, अलग से कुछ भी आपको नोट्स बनाना नहीं है, वो बहुत अच्छा होता है, उसमें से क्वेश्चन मिलते भी हैं। तो ये होगा हमारा निगार साजी, ठीक है। 51 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 51 का बताइए, तो वो होगा हमारा कैलिफोर्निया, ठीक है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के, टोटल 40 क्वेश्चन हम यहां करने वाले हैं। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो 52 का क्या हो जाएगा आपका, भूटान, भूटान, ठीक है। तो रूबेला के जो सफल उन्मूलन की घोषणा किसने किया है, भूटान ने किया है, सी हो गया। 53 देखिए, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है बताइए? तो ये दिया गया है जनरल दलबीर सिंह सुहाग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जनरल दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया, किसने किसे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है बताइए? विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, NRI द्वारा परित्यक महिलाओं को न्याय दिलाना, या फिर भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना? तो 54 का आपका हो जाएगा सी, जो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस से भारत लाना, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 55, निम्न में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, और ये ऑप्शन का खेल आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ से कोई नहीं। कई बार ऐसा होगा कि इसमें एक से दो ऑप्शंस आपके सही हो रहे होंगे, देन आपको डी से जाना है, कोई भी ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, देन आपको ई जाना है। तो इसमें आखिर में वलित पर्वत कौन सा नहीं है? अरावली, एंडीज, अपलेशियन। तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं क्योंकि ये वलित पर्वत नहीं है, और यहाँ पर मतलब कि बस एक लिखा होता तो हम चले जाते ए के साथ, बट बी भी तो नहीं है, सी भी तो नहीं है, तो फिर हम किसके साथ जाएंगे, हम डी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो 55 का हमारा डी। 56 देखिए, निम्न क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है, ठीक है, किसकी न्यून हिम रेखा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी, आल्प्स। तो इसमें से राइट आंसर बताइए। तो आपको भी पता है कि जो न्यून हिम रेखा है वो जो है किस क्षेत्र में न्यून हिम रेखा है, तो वो है आल्प्स, ठीक है, आल्प्स क्षेत्र। तो 56 का आपका हो जाएगा सी। 57 देखिए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, रांची का पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्लीज बताएं, तो 57 का आपका हो जाएगा मालवा पठार का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है ना कर्क रेखा द्वारा, वो है मालवा पठार का, तो 57 का बी। 58 देखें, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ये है आपका कहां पर नहीं पाए जाते हैं कांटेदार जंगल, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये,
एक एक चुन चुन के इन्होंने निकाला है, एससीआरटी और एनसीआरटी से आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में 59। अगर आपने एससीआरटी की बुक्स नहीं पढ़ी है तो वो हम अपने चैनल से कराने वाले हैं, बस आप मुझे बता दो कि आप क्वेश्चन चाहते हो या दोनों चाहते हो। 59 देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, मेघालय में, या एक से अधिक में, या कोई नहीं? तो आपको भी पता है कि सबसे अधिक जो लेटराइट मिट्टी है वो है मेघालय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस देश का नाम बताओ जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। ये क्वेश्चन बताइए, उस देश का नाम बताओ जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। फ्रांस, जापान, ब्राजील, इन तीनों में से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो वो होगा ब्राजील, ठीक है, ये मेजबानी करेगा। चलिए 61 पे चलते हैं, हवा में नमी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हवा में हमको, हम लोगों ने कई बार बोला होगा ना कि कितना ज्यादा ह्यूमिडिटी है, कितनी ज्यादा नमी है, इसको नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 61 का बताइए, गर्मियों में के समय बहुत ज्यादा होता है, तो वो है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो 61 का आपका सी। एक बार अगर मैं आपको इसका इंग्लिश भी दिखाना चाहूं, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर? तो वो है हाइग्रोमीटर, 61 का आपका सी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 62 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो है पश्चिमी विक्षोभ, काल बैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि ये भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। सो 62 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 हो गया, अब 63 पे चलते हैं। अब ये आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ था? राजकुमार शुक्ल हैं, एसएन सिन्हा हैं, सहजानंद सरस्वती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर कोई नहीं। सारे ऑप्शंस पढ़ना है आपको एग्जाम में, ये नहीं कि बस इन तीनों को ही मेंशन करो। तो बताइए संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 63 का आपका हो जाएगा ऑप्शन कोई नहीं, इन चारों में से कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि संथाल विद्रोह के नेतृत्व में शामिल था या जिसने नेतृत्व किया है। सो ऑप्शन नंबर ई। 64 देखिए, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? आप सभी को पता है इसका राइट आंसर, सभी जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। चलिए 65 है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1930, 1928, 1940। इसका राइट आंसर बताइए, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में, ठीक है। तो 65 का आपका बी हो जाएगा। 66 देखिए, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बताइए, बिपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, या फिर राम लाल प्रसाद। अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 66 का हो जाएगा हमारा ए, विपिन बिहारी वर्मा, नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और आज पहली क्लास है तो आज जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको करा रही हूं। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे ये बताइए? 67, 24 सितंबर 1932, या फिर 24 सितंबर 1930, या फिर 26 सितंबर 1930। कितना एकदम से पास पास के सारे ऑप्शंस रखे गए, आप खुद देख सकते हो, ये देखिए, इतना आसान भी नहीं है, बीपीएससी जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनाए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा पूना समझौता पर हस्ताक्षर की बात हो रही है, तो वो होगा 24 सितंबर 1932, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो 68 देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? मीरा बख्श, बाबू कुंवर सिंह, बीरभान सिंह, क्या होगा? तो वो होगा बाबू कुंवर सिंह। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह, 68 का हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या जो है वो चर्चा का विषय बना था? किस अधिवेशन में? कलकत्ता 1911 में, पटना 1912 में, रामगढ़ 1940 में, एक से अधिक, या कोई नहीं? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। तो आप मुझे बताना इसका राइट आंसर क्या होगा।
ठीक है। वैसे तो जब हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एससीईआरटी, तो उसमें सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। 70 देखिए, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? हकीम अजमल खान ने, चंद्रशेखर आजाद ने, हसरत मोहानी ने, एक से अधिक या कोई नहीं? इनकलाब जिंदाबाद आप सभी को पता होगा, ये हसरत मोहानी ने दिया है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी। तो यहाँ तक कि हमारे 70 क्वेश्चंस हो गए, 40 क्वेश्चंस बाकी, तो ये जो जिसका विषय था उससे रिलेटेड है। कितने आपके सही हुए हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही आपको क्लासेस मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।